नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे आप सबका स्वागत। आप सबके जो सपने हैं वो पूरे हों, आप में आपके घर में पूरी संपन्नता आए और आपका आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो आइए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने समझाया था कि हर 20 जहाँ जहाँ वैमा एम्मा है वहाँ से एक एक बार जो ट्राई करना। आपने सुबह देखा कि सुबह जब मार्केट खुली वो यहाँ खुली इस पॉइंट पे, और उसके बाद इस लेवल पे आई जहाँ मैंने लिखा हुआ था पहले ही अप साइड मूव। एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने फिर मूव करना शुरू कर दिया और फिर मार्केट ने बिल्कुल रुकने का काम नहीं किया, और वहीं आई जहाँ मैंने आपको अलर्ट किया था कि ये एरिया सबसे डेंजर जोन है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और इस ये एरिया आते ही आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आप सब ने अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो इस तरह से आपको एक शानदार रैली इंजॉय करने को मिली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम जो सुबह सुबह कमेंट्री देते हैं ना, अगर आप इस वीडियो के साथ उस कमेंट्री को भी रीड करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ट्रेडिंग के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा नीचे जो डीमेट अकाउंट के लिंक दिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिंक है, अगर वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा आपका अकाउंट, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये छोटे छोटे काम नहीं करती, ये आपकी हेल्प करती है उल्टा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिड कैप ये बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, जहां मैंने कहा था कि हर एमा वेमा पे ट्राई कीजिए, बैंक निफ्टी सुबह सुबह यहीं खुली एग्जैक्टली 20 एमा के पास, और यहां मैंने कहा था अपसाइड मूव प्ले करनी है, तो वहां से अपसाइड मूव आई और शानदार रिटर्न मिली। एग्जैक्टली जहां मैंने डाउन साइड मूव लिखा था बिल्कुल वहीं जाकर मार्केट रुक गई। तो इस तरह से आपने इसमें भी एक अच्छी खासी रैली इंजॉय की होगी। इसी तरह फिन निफ्टी में भी आप देखिए, फिन निफ्टी भी यहीं खुली जहां मैंने अपसाइड मूव लिखा था, 10 MA था एग्जैक्टली, उसी 10 MA से सपोर्ट ली और मार्केट ने ऊपर की ओर लगाया, जहां मैंने डाउन साइड मूव लिखा था बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं जाकर मार्केट रुक गई। उसके अलावा अगर हम आए मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में एक चीज मैंने बताई थी कि अगर 9167 के ऊपर आ गया तो एक आपको एक जंप मिलेगा, तो आपको मिला, कहाँ तक मिला, 9222, हालांकि 9200 हिट हुआ, और आपको मैंने चेताया भी था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि डेली बेस पे आपको दिख भी रहा होगा, और अब मैं आगे चलकर आपको दिखा भी दूंगा। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और मैंने कहा था कि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसी तरह नीचे भी 9094-92 पे भी कहा था, जब मार्केट यहाँ पे खुली उसके बाद इसने यहाँ पे डिप लगाया, और मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस आपने 9069 रखना है, तो एग्जैक्टली उसी से पहले ही रिवर्स आ गया और उससे हमें एक शानदार रैली इंजॉय करने को मिली। तो इसी तरह आप धनतेरस आप सब ने खूब अच्छी तरह मनाया होगा, खूब अच्छी रैली इंजॉय की होगी, और हमें भी बहुत खुशी है अगर हमारे जो लेवल हम एक दिन पहले बता देते हैं और उससे आप जब प्रॉफिट कमाते हैं तो हमें बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो अब हम आते हैं वर्ल्ड मार्केट पर। देखिए वर्ल्ड मार्केट में भी देखें तो डाओ फ्यूचर झूम उठा है। मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ बताई थी कि जो फेड ने जो स्टेटमेंट दी है वो एक सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दी थी पावल साहब ने, उन्हें ये था कि मुझे ना भूल जाए लोग, तो उनको भी होता है कि मैं मीडिया में बना रहा हूँ, कहीं मैं इंटरेस्ट रेट बनाने बंद कर दूँ मुझे कौन पूछेगा, तो एक ये होता है ना, एक लालच आ जाता है टीवी में रहने का, मीडिया में, तो इस तरह से उन्होंने फिर जानबूझकर एक डरावनी सी होकिश कमेंट्री दे दी, जबकि उसका कोई तर्क संगत नहीं था, क्योंकि तो अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, और अब वही बात वो उल्टा रहे हैं, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी डाउन हुई है, कोई इतनी बड़ी नहीं, ले दिया कि मार्केट सारी उठ गई हैं, सबको समझ आ गई कि पावल साहब कर क्या रहे हैं। तो उसी अब पावल साहब को अब लोग कम सुनेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तो मुझे लगता है हो सकता है कि खुंदक में इंटरेस्ट रेट ही ना बढ़ा दें कि मुझे सुनते क्यों नहीं। तो चलिए खैर, डाओ फ्यूचर ने खूब अच्छा जंप लगाया, उसके साथ साथ पूरी वर्ल्ड मार्केट झूम उठी, और क्रूड थोड़ा सा जरूर ऊपर हुआ है, थोड़ा इस पर नज़र बनाए रखना। अब अगर क्रूड मंडे को और ज़्यादा ऊपर हो गया तो फिर बैंक निफ्टी भागते भागते फिर उसमें स्टॉप लग जाएगा,
अभी भाग रही है तो भाग रही है, पर अगर अगर क्रूड ज़्यादा बढ़ गया तो एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। डॉलर इंडेक्स बिल फिलहाल ठीक है। हाँ, पावल साहब की स्टेटमेंट की वजह से जरूर ऊपर आ गए। एक बार तो ये 105.1 पे ही रह गया था, फिर से 685 आ गया, तो ये भी ऊपर ही है, ये भी अभी नीचे नहीं आया। और बॉन्ड यील्ड भी अभी नीचे नहीं आई, पर फिर भी क्योंकि मार्केट को उम्मीद है कि ये चीज़ें नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें पावल की स्टेटमेंट की वजह से आई है और कुछ खास नहीं है, ये धीरे धीरे फिर से नीचे आ जाएंगी ऐसा मार्केट को लग रहा है। ये देखिए डाउ फ्यूचर लेवल, देखिए 10 EMA से एग्जैक्टली इसने फिर से सपोर्ट ली, और ये मैंने लेवल बताया हुआ है 33,950। यहाँ से बार बार सपोर्ट आ रही है, फ्लैग भी बन रहा है, और फ्लैग पे अगर ब्रेकआउट आया तो 34,600 और 35,010 तक रैली आपको डाउ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हम गिफ्ट निफ्टी पर। गिफ्ट निफ्टी जहां 3:30 बजे छोड़ी थी वो थी 19,487, वहां से गिफ्ट निफ्टी लगभग आप ये लगा लीजिए 100-125 पॉइंट प्लस है, 100 से 125 पॉइंट आप खुद काउंट कर सकते हैं कितनी है, 125 पॉइंट के आसपास ये प्लस है, मतलब गैप अप ओपनिंग के पूरे पूरे चांसेस है। मंडे को भी मतलब दिवाली खूब अच्छी तरह मनाई जाएगी। अब उसके बाद आता है FIDI डाटा। FIDI डाटा क्या कहता है, FI ने क्या किया, कॉल लॉन्ग की 1,45,000 और शॉर्ट की 1,30,000, 1,45,000 लॉन्ग की और 1,30,850 इन्होंने शॉर्ट की। अब अगर हम देखें पुट का डाटा, तो पुट में आप देखेंगे कि जहां कॉल 1,45,000 की थी, पुट सिर्फ 1,21,000 की है, मतलब कॉल साइड ज़्यादा झुकाव है उनका, और इधर पुट भी उन्होंने जो शॉर्ट की है वो कॉल शॉर्ट से ज़्यादा की है। इससे पता चलता है कि वो भी अब बुलिश हैं, FIs भी कम से कम इंडेक्स पर बुलिश हैं, तो इससे भी पता चलता है कि वो जरूर गैप अप ओपनिंग की तरफ ही खींच के लेके जाएंगे मार्केट को, मतलब गैप अप ओपनिंग के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं इस टाइम। और अगर FIs का दूसरा डाटा देखें, थोड़ा खराब भी है इसमें, तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल्स पे तो पुट राइटिंग बढ़ गई है सभी जगह पर, 44,000 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मतलब बैंक निफ्टी में लोग ये सोच रहे हैं, ये माहौल जो है वो ये चल रहा है कि 15 नवंबर तक कम से कम 44,000 क्रॉस नहीं होगा। कारण यहाँ पे सारे वैमा एमा खड़े हैं, जैसे 43,950 44,000 के आसपास सारे वैमा एमा है, तो उस वैमा एमा की वजह से हो सकता है ये वो क्रॉस ना हो, इसलिए कॉल लेटर यहाँ पे खड़ा है। पर जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग का इशारा है, तो मुझे लगता है कि 44,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हो सकती है और ये सारा कॉल लेटर ट्रैप हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई तो एक शानदार शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब जिन्होंने होल्ड नहीं किया उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर भी आगे एक अच्छा रनवे, एक हाईवे मिलेगा ऊपर की ओर भागने के लिए, तो काफ़ी अच्छी रैली उन्हें भी इंजॉय करने को मिल सकती है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई होल्ड नहीं किया या कुछ नहीं किया, ये अच्छा अच्छी बात होती है कि अगर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर वो अलग बात है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, वो अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस ही हो गया तो फिर तो वैसे ही आगे कॉल लेटर कहीं पर नहीं है, तो एकदम से रनवे होगा, एक क्लियर रनवे भागने के लिए। अब हम आते हैं टेक्निकली चार्ट पे कि चार्ट पे कौन कौन से लेवल हैं जो आपको बाय करना चाहिए या जहां पे आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एमा डेमा पर आपने बाइंग करनी है, आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। ये देखिए 20 EMA 43,572, 10 EMA 43,505, आज भी 10 EMA से ही एग्जैक्टली सपोर्ट ली थी 43,505 से, तो अगर यहाँ तक कोई भी डिप आता है तो अपसाइड मूव आप प्ले कर सकते हैं। इसी तरह अगर 43,220 तक भी कोई डिप आता है ना, क्योंकि यहाँ एमा डेमा 200 है, बड़े बड़े एमा डेमा है, तो यहाँ से तो पक्का मार्केट रिवर्स होती नजर आएगी। यहाँ से भी आपको मार्केट मतलब हर एक चांस को अवेल करना है आपने, और उस चांस के नीचे 5-5 मिनट की 3 कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है, तब आपको एक अच्छी रैली बार बार देखने को मिलेगी। मतलब टोटली मार्केट बाय ऑन डिप है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी गिरावट आती है तो उसे घबराइए मत, उल्टा
उसको बाय कीजिए और आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ऊपर की ओर यहाँ एक झुरमुट है काफ़ी बड़ा, वेमा, एमा, 50, 10 वेमा, 100 एमा, 20 वेमा, ये सारे इकट्ठे हैं। 43,960 से लेकर 44,020 तक छाए हुए हैं, मतलब 44,020 तक पूरा जाम लगा हुआ है रेजिस्टेंस का, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इस एरिया में मान लो गैप अप होता है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जिन्होंने होल्ड किया है तो वो अपना यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो। हाँ, दूसरा गैप अप आपको बताता हूँ, अगर मान लो कोई बड़ा गैप अप हो जाए किसी तरह, वो कौन सा, ये 44,060, मतलब ये सारा एरिया निकलने के बाद अगर इसके ऊपर गैप अप होता है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,057, ये हाई लगा हुआ है काफ़ी, 1 हफ्ता पहले ये हाई लगा था और यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये भी हाई लगा हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस हो गया तो आपको फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको कहाँ लेकर जाएगा, 44,100, 44,139 और 44,200 तक की एक रैली आपको फिर से मिल सकती है। तो इस तरह से 44,060 का लेवल आप याद रखिए, इसके नीचे 5-5 मिनट की 3 कैंडल का अपने स्टॉप लॉस भी रखना है, नीचे की ओर आपको मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं हम निफ्टी पे कि निफ्टी में ऐसे कौन कौन से लेवल हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी नीचे 19,300 तक तो क्लियर कट पुट राइटिंग है, 400 पे अगर पुट राइटर है तो कॉल राइटर भी है, मतलब ऑप्शन चेन में ट्रेडर ये सोच रहा है कि निफ्टी 16 नवंबर तक 19,500 क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि वेमा एमआई मतलब इतनी अच्छी रैली देखने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर कम नहीं हुआ, तो ये बात जरूर सोचने वाली और आपको गौर करने वाली, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। निफ्टी में भी आपने वही बात जो मैं हमेशा दोहराता हूँ कि हर वेमा एमआ पे ट्राई कीजिए, पहले तो 20 एमआ 19,367, फिर 20 एमआ आता है 19,354, 10 एमआ आता है 19,337, एग्जैक्टली जहाँ से फ्राइडे को मार्केट ने रिकवरी भी आई है, बाइंग आई है, और 20 एमआ 19,326, मतलब ये सारा एक स्पोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट स्पोर्ट ले सकती है, यहाँ बाय ऑन डिप है, ठीक है, अगर कोई डिप यहाँ तक आता है तो बाय है। और नीचे अगर 255 270 तक यहाँ पे 100 एमआ भी है, यहाँ से भी एक रिकवरी के चांसेस रहेंगे, मतलब आपने हर एक चांस को अवेल करना है और वहाँ पे नीचे 5-5 मिनट के 3 कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की ओर आपको जो टारगेट मिल सकते हैं फिर से वापस वही रिवर्स 19,400 और 445 450, बार बार यही हो रहा है, 19,300 320 से मार्केट सपोर्ट ले रही है और 400 440 तक जाती है और वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारे वेमा एमआ इकट्ठे हैं। आपको याद होगा मैंने कई बार बताया कि ये वेमा एमआ तभी क्रॉस होते हैं अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो मुझे लगता है इन वेमा एमओ को क्रॉस करने के लिए ही एक गैप अप ओपनिंग होगी ताकि ये एरिया क्रॉस हो चुके। अब बताते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो, कहां कहां हो, तो क्या क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई गैप अप ओपनिंग 482 के आसपास होती है तो यहां कुछ मत करना, यहां से उल्टा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जिन्होंने बाय किया वो निकलेंगे 100 एमएम, उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो होल्ड करके गए हैं 100 एमएम पे। हाँ, अगर गैप अप 19,521 या गैप अप यहाँ होता है उसके बाद 521 के ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन होती है, तो 19,521 ऐसा लेवल है जिसके ऊपर एक आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और ये क्यों है ये 521, आप देखेंगे, ये देखिए 521 521 521, हर जगह 521 से ही सपोर्ट ली है, तो 521 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी रैली। और जो मैंने आपको हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही कहा था कि 19,600 और 630 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, ये मैंने 1.5-2 हफ्ते पहले आपको कहा था, और वही टारगेट आते हुए आपको फिर नजर आएंगे, मतलब जो चीज़ हमने पोजिशनल भी आपको दी हुई है उसमें भी आप अपना फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब ये लेवल आपने याद रखना है, इसके ऊपर ही आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, नीचे स्टॉप लॉस 19,500 का बना के रखना। तो ये था निफ्टी का पूरा ट्रेड सेटअप और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद।